नमस्कार लोजी, हम आज फिर से आ गए हैं। मुद्दा बड़ा हॉट है। पिछले दो दिन से JNU में जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, छात्रों को मारा पीटा गया है, नॉन वेज वेज खाने और नए खाने को लेकर जो अपवाद हुआ, छात्रों के साथ मारपीट की गई है, कई छात्र घायल हुए हैं, उसी को लेकर आज JNU के छात्र दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट करने हुए आए थे, तो पुलिस प्रशासन ने बलपूर्वक सभी छात्रों को डिटेन कर लिया गया है। क्या अब लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने पर छात्रों को इसके साथ इस तरीके की बर्बरता की जाएगी, वो भी विजुअल हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक छात्रों को घसीट के बसों में डाल के और उनको डिटेन करके नियर बाय थाने में ले जाया गया है। क्या आज अब लोग डिसाइड करेंगे कि किस छात्र को या किस व्यक्ति को कहाँ पे और क्या खाना है? क्या अब खाने पीने पे भी पाबंदियाँ लगेंगी या कोई व्यक्ति विशेष इसको डिसाइड करेंगे कि किस व्यक्ति को क्या खाना है, ये खाना है या उसको वो नहीं खाना है? इसी को लेकर के आज छात्र संगठन दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे आए थे, लेकिन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक बलपूर्वक सभी छात्रों को डिटेन करके यहाँ के नियर बाई पुलिस स्टेशन या अलग अलग दिशाओं में जो डिटेन करके इनको डाल दिया जाता है, तो डिटेन करके इनको यहाँ से लेकर और यहाँ का जो मामला था वो शांत कर दिया गया है। सभी छात्रों को यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर से हटा दिया गया है। अब आगे की जो भी बातें आपको विजुअल दिखा दी जाएंगी, उनमें सब कुछ आपको साफ स्पष्ट आ जाएगा कि क्या माहौल यहाँ हुआ था, कि कैसे छात्रों को बलपूर्वक और छात्राओं को बलपूर्वक यहाँ से उठाया गया है। उसको ड्यूटी करने देने के बजाय उसको अरेस्ट कर रहे थे। आप ये बीबीपी के गुंडे हमको बताएं कि वो जो ट्रक ड्राइवर था वो कौन सा पूजा भंग कर रहा था, उसको क्यों मारा गया? उसको इसलिए मारा गया क्योंकि बात नॉनवेज की है, अपना रिलीजन इम्पोज करने के लिए। देखिए ये पूरा सिचुएशन जिस तरीके का झूठ है बीबीपी फैला रहा है, उस सबको हम लोग यहाँ पे बताने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए आए हैं। कल जिस तरीके से हर संडे ऐसा होता था कि जो ट्रक ड्राइवर है जो नॉनवेज डिलीवर कर रहा था, उसको एबीवीपी के 20-25 नामी चलने वाले गुंडों ने पीटा। वंचित करना चाहते हैं, ये लोगों को खाना खाने नहीं देना चाहते हैं, ये लोगों को इस तरीके के धार्मिक उन्माद में घसीट देना चाहते हैं, जहाँ से लोग अब सिर्फ अपने धर्म के हिसाब से दुनिया को देखने लगे। आज खाने राइट टू लिव, राइट टू फूड, राइट टू लिव का एक बहुत ही बेसिक पार्ट है और इस पार्ट को हमसे छीन कर ये लोग गुंडागर्दी जब करते हैं, छात्रों को मारते हैं, इसका मतलब साफ सीधा है कि लोग, ये लोग बीजेपी के आरएसएस के, आप जानते हैं एबीवीपी आरएसएस का एक छात्र संघ, तो हम उसको कहेंगे भी नहीं, वो गुंडागर्दी करने का है। कितने लोगों को चोटें लगी हैं? ये लगभग ये आयशा के जो हम आयशा के संगठन से हैं और जो हमारे दूसरे साथी हैं, लगभग 20-25 लोगों को, उनको उनके कपड़े फाड़े गए, उनको मारा गया लाठी डंडों से, डस्टबिन से, पता नहीं किस किस चीज़ों से उनको ऊपर हमला किया गया, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, इस तरीके की स्थिति, और पुलिस को अंदर आने से रोका गया, एम्बुलेंस को अंदर आने से रोका गया ताकि जो छात्र हैं उनको हॉस्पिटल में ले जाने से रोका जाए। What else do you have to say? The complaint was registered. No arrest so far? No arrest so far. Police were there on campus, on JNU campus yesterday when the violence took place. No police, despite this desperate pleas of the students who were beaten up, about 20 to 25 students were beaten up very badly. Some people, some of our ISA comrades were hospitalized. We were beaten up so badly. We will continue with our protest. No matter how many times they detain us, we'll come back to the streets. We'll be detained over and over again, but we'll continue with our protest. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर वीडियो से अपडेट रह सकें।